नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ चल रही CBI की कार्रवाई को CM अरविंद केजरीवाल ने राजनीति से प्रेरित बताया है। CM ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि जब हम सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो हमें किसी भी जांच के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। CBI ने पूरी जांच कर ली है। सिसोदिया के घर पर 24 घंटे जांच हुई, घर से भी कुछ नहीं निकला। CBI ने उनसे 6-7 घंटे तक गहन पूछताछ की और जितने प्रश्न पूछे गए उन्होंने सबके संतुष्टि पूर्वक जवाब भी दिए। CBI ने आज उनका लॉकर भी चेक किया, लॉकर में भी कुछ नहीं मिला। एक तरह से CBI ने अनौपचारिक रूप से उन्हें क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन CBI के ऊपर राजनीतिक कारणों की वजह से दबाव है। हमें लगता है कि ये लोग हफ्ते 10 दिन में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार तो करेंगे, वो करते रहे, लेकिन जांच में कुछ नहीं मिला है। हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि वो जितनी भी कार्रवाई चल रही है वो राजनीति से प्रेरित है और इसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। स्कूलों को लेकर शुरू हुए नए विवाद पर केजरीवाल ने कहा कि इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने सरकारी स्कूल इतने ज्यादा क्यों बनाए। अगर ज्यादा बनाए तो ये तो अच्छी बात है, उनमें गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे। फिर ये कह रहे हैं कि स्कूलों के अंदर इतने ज्यादा क्लासरूम क्यों बनाए, लेकिन कोई क्लासरूम खाली तो है नहीं, उनमें बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि क्लासरूम में मेरी फैमिली रह रही है। ये कह रहे हैं कि स्कूल में इतने ज्यादा टॉयलेट्स क्यों बनवाए। हमने ज्यादा टॉयलेट्स इसलिए बनाए ताकि हमारी बच्चियों को वहाँ कोई तकलीफ ना हो। फिर से ये पूछ रहे हैं कि क्लासरूम के अंदर इतने महंगे उपकरण और डिजिटल बोर्ड लगाने की क्या जरूरत थी, इतने शानदार डेस्क बनाने की क्या जरूरत थी। गरीबों के ही तो बच्चे आते हैं, वो सस्ते में पढ़ लेते हैं, मगर हम तो गरीब अमीर सबके बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, इसलिए हमें नहीं लगता कि हमने कोई गलत काम किया है। CM ने कहा कि MCD के स्कूलों का बहुत बुरा हाल है, अब MCD में भी हमारी सरकार आएगी तो हम MCD के स्कूलों को भी अच्छा कर दिखाएंगे। यहाँ पर उप मुख्यमंत्री को लेकर के लगातार बयानबाजी और सुर्खियों में बने केजरीवाल ने एक बार फिर BJP के ऊपर बड़ा दाव खेल दिया और यहाँ पर इस बड़े बयान के साथ BJP में एक बड़ा भूचाल लेकर के आ गया है। आप अपने तर्क हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, केजरीवाल के लिए भी और यहाँ पर BJP के बीच में क्या कुछ चलने वाला है अब उसको लेकर के भी अपने तर्क जरूर बताएं। फिलहाल ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।